पिछले एपिसोड में हमने भारतीय फिजियोग्राफिक डिविजन्स में हिमालय के बारे में जानकारी ली। अभी हम देखते हैं उत्तरी भारत का विशाल मैदान, द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन। तो ये मैदान बना कैसे? तो हमने देखा कि सबसे दक्षिण में हिमालय की जो रेंज है वो है शिवालिक पर्वत श्रेणी। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में यह विशाल मैदान स्थित है। इसे निक्षेपात्मक मैदान भी कहा जाता है। तो ये किन नदियों के निक्षेपण का परिणाम है? तो सबसे पहले देखेंगे कि उत्तर में जो सिंधु नदी है जो पाकिस्तान में आगे जाके बढ़ती है, उसके बाद गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी, ये तीन नदियाँ हिमालय से उद्गमित होती है और वहाँ से जो मलबा ये बहाकर लाती है, इन्हीं का डिपोजिशन या फिर निक्षेपण इस मैदानी क्षेत्र में इन्होंने किया है और इसी के कारण ये एलुवियल प्लेन बना है। इस मैदानी क्षेत्र का अगर विस्तार देखें तो गंगा के मुहाने से लेकर यहाँ से सिंधु नदी के मुहाने तक 3200 किलोमीटर इतना ये फैला है और क्षेत्रफल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर इतना है। अभी हम देखेंगे कि इस विशाल मैदान के उपविभाग कौन से हैं। उत्तर के विशाल मैदान को अनेक उपविभागों में बांटा गया है। इसमें सबसे प्रमुख जो है वो है राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान भी दो हिस्सों में बांटा गया है, मरुस्थली और बांगर क्षेत्र। राजस्थान का मैदान और गंगा का जो मैदान है उसके बीच में उत्तर में पंजाब का मैदान फैला है, इसे पंजाब हरियाणा मैदान भी कहा जाता है। इसके बाद आता है गंगा का मैदान। तो सबसे उत्तर का जो गंगा का मैदान है इसे कहा जाता है उच्च गंगा मैदान। फिर बीच का जो हिस्सा है उसे मध्य गंगा का मैदान। इसमें ज़्यादातर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र अंतर्भूत है। और सबसे अंतिम है निम्न गंगा का मैदान, इसमें पश्चिम बंगाल का क्षेत्र आता है। अब पूरब की तरफ ब्रह्मपुत्रा नदी द्वारा बनाया गया जो मैदान है वो है आसाम का मैदान। इस तरह से करीब 6 उत्तर भारत मैदान के उपविभाग किए गए हैं। ये आसाम में बहुत कम चौड़ा है, 80 से 100 किलोमीटर, लेकिन पश्चिम में इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है 500 किलोमीटर तक। उत्तर में विशाल मैदान से संबंधित कुछ शब्दावली को जानना बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं भाबर। भाबर यह क्षेत्र शिवालिक पर्वतपदीय क्षेत्र है। उत्तर में सिंधु नदी से दक्षिण में तीस्ता नदी तक ये 8 से 16 किलोमीटर इतना चौड़ा फैला हुआ क्षेत्र है। तो हिमालय में उद्गमित होने वाली अनेक जो सरिताएं हैं वो अपने साथ बड़े बड़े कंकड़, पत्थर, बजरी ये बहाकर लाती है और इसका डिपोजिशन यानि निक्षेपण इस क्षेत्र में करती है। इस क्षेत्र इस तरह से दिखता है। तो हिमालय में उद्गमित होने वाली जो नदियां हैं इस क्षेत्र में बड़े बड़े पत्थर चट्टानों के कारण लुप्त हो जाती है। भाबर के दक्षिण में तराई प्रदेश है, यहाँ बारीक कंकड़, पत्थर, रेत, चिकनी मिट्टी इनका जमाव इस नदियों द्वारा किया जाता है। यहाँ भाबर में लुप्त हुई नदियाँ फिर से उद्गमित होती है। ये क्षेत्र इस तरह से दिखता है। यहाँ बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं। और फिर तीसरा देखेंगे हम बांगर प्रदेश। क्या होता है कि जब नदियों में बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी ऊंचाई वाले क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाता। तो ये ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है
उसे ही बांगर प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो नदी द्वारा लाया हुआ मलबा जो है वहाँ उसका निक्षेपण नहीं होता, यानी यहाँ जो मिट्टी रहेगी वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी रहेगी, तो ये प्रदेश उतने कृषि योग्य नहीं रहते हैं। लेकिन बांगर के बाद हम देखेंगे खादर। तो खादर जो ये क्षेत्र है वो जहाँ निचला भाग होता है वहाँ क्या होता है कि बाढ़ का पानी फैल जाता है, अर्थात बाढ़ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी लाती है, तो उपजाऊ मिट्टी का जो डिपोजिशन है यानी क्षेपण है इस क्षेत्र में होता है, इसलिए हर साल जहाँ जहाँ बाढ़ का पानी पहुँचता है वहाँ नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह क्षेत्र कृषि के लिए बहुत योग्य होता है। तो पंजाब में जो बांगर प्रदेश है उसे धाया कहा जाता है, और जो खादर प्रदेश है उसे बेटलैंड कहा जाता है। ये भूआकृतिक विभाजन में हमने हिमालय, उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसके बारे में जानकारी ली। अभी हम तीसरा विभाग देखेंगे, भारतीय मरुस्थल, इंडियन फिजियोग्राफिक डिवीज़न में ये तीसरा है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इसका जो स्थान है वो भारतीय उपद्वीप के उत्तर पश्चिम में है, और इसका जो क्षेत्र है वो 2,00,000 स्क्वायर किलोमीटर इतना है। तो यह है अरवली पर्वत की पहाड़ियाँ, इसके पश्चिम में थार डेजर्ट है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। यह भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीप पठार का ही विस्तारित रूप है। यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, करीब करीब 150 मिलीमीटर इतनी ही वर्षा होती है, इसी के कारण ये डेजर्ट बना है। यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है वो है लूनी नदी। यहाँ विशेष प्रकार के बालू के टीले पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं बरखान। यह अर्धचंद्राकार बालू के टीले होते हैं। भारत पाकिस्तान की यह एक नैसर्गिक सीमा भी कही जाती है। भारत के अन्य भूआकृतिक विभाजन में प्रायद्वीप पठार और तटीय मैदान की जानकारी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।